डिसाइड कर लिया कि सर वोकैबुलरी में मुझे फलानी किताब की फलानी वोकैब इतनी तो खत्म कर लेनी है। जैसे मानो बहुत लोग नीतू सिंह से पढ़ते हैं, बहुत लोग एसवी ओशी से पढ़ते हैं, बहुत मिरर ऑफ कॉमन एड से पढ़ते हैं, बहुत ब्लैक बुक से पढ़ते हैं, सारी किताबें अपने जगह पे परफेक्ट है, किसी में कोई कमी की बात नहीं है, बस आप एक पर विश्वास दिखाइए और यहाँ पर आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने टारगेट किया वोकैब के लिए ब्लैक बुक की, हाँ यार हम ब्लैक बुक पढ़ेंगे, हालांकि बहुत अच्छी किताब है ये निखिल भैया की आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बुक को टारगेट किया ना, तो टारगेट कर लो यार कि कम से कम हम 1500 यहाँ पर साइनो एंटो पढ़ेंगे और 1500 वन वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर और 1500 इडियम पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको डेली 20 या 30 कवर अप करने हैं, तो आप डेली के डेली इतना पढ़ते रहना इस तरीके से प्रॉपर। बट टारगेट बना लो कि हमको अपने पेपर के पहले इतना काम तो खत्म कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर जीएस में भी आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो कि जीएस में मुझे यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, बायो पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है यहाँ पर तो कम से कम कितने क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कर लेने हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनके अलावा उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप सारे के सारे यहाँ पढ़ लेते हो तो कुछ लास्ट में नोट भी रखा करो कि यार इनको पढ़ने के बाद है ना मुझे दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला कि मैं सीजीएल 2021 का पेपर देने जा रहा हूँ 22 का, तो मैं सीजीएल 2021 के सारे प्री के क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं सीजीएल 2020 के सारे प्री के क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा और इनको है ना हम मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। इनके मॉक टेस्ट मुझे अगर कहीं पर अवेलेबल हो गया, जैसे टेस्ट बुक पर अवेलेबल हो गया, ग्रेड अप पर हो गया या कहीं पर भी हो गया, तो उनके हम मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो प्री के लिए तो मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करोगे? अभी से, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं मेरे भाई। मॉक टेस्ट आपको अभी से देना शुरू करना है और हर संडे को मॉक टेस्ट देना है आपको, और जब आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बच जाएंगे ना, तो उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मॉक देना शुरू कर देना, रोज के रोज एक मॉक देना। लेकिन अभी आपके पेपर में काफी समय है तो बस अभी संडे टू संडे मॉक रखो ताकि ये रिवीजन कराते रहे। क्योंकि आप क्या केस ऐसा होगा ना कि आप डेली पढ़ोगे, आज पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ रहे हो, परसों भी पढ़ रहे हो, तरसों भी पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा होगा कि 10 दिन के बाद 10 दिन के पहली वाली चीजें याद ही नहीं होंगी आपको, तो उनको कैसे रिवाइज करोगे? तो उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करोगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट ही ऐसा होगा ना जो 100 सवाल में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर आपका लगवा देगा और सारे के सारे सिलेबस को वो रिवाइज करवाते चलेगा।